25 नवंबर को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के सौजन्य से एक भव्य डिनर का आयोजन था। इस डिनर के लिए देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया था। आम परंपराओं में ऐसे डिनर में अक्सर सरकार की नुमाइंदगी सरकार का कानून मंत्री करता है, पर स्थापित परंपराओं से इतर चलने में माहिर नरेंद्र मोदी ने जब तय किया कि वो सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित कोर्ट वन के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो कई कानूनविद भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि ये वही कोर्ट वन है जहां सीबीआई विवाद पर फैसला सुरक्षित है। वहीं भाजपा के दो बागी धुरंधरों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने राफेल समझौते में करप्शन का आरोप लगाया है, जिसका फैसला भी इसी कोर्ट में सुरक्षित है, और ये दोनों ही मामले मोदी और उनकी सरकार के लिए बेहद अहम हैं। इसके बाद पीएम ने पूरा कोर्ट रूम देखने की इच्छा जाहिर की, जहां उनके मित्र अरुण जेटली बहस करते रहे हैं तो जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्हें पूरा कोर्ट रूम दिखाया। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि इसके बाद जस्टिस कुरियन का बयान आया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र किसी बाहरी ताकत से कंट्रोल हो रहे थे, वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों के साथ न्यायाधीशों को मामले आवंटित कर रहे थे। न्याय के मंदिर में बज रही इन घंटियों की अनुगूंज में ही तो लोकतंत्र का असली मर्म समाहित है। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।